नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं दुष्टर उपाध्याय। जहां एक तरफ पूरे देश में कोरोना ने हालात बिगाड़ रखे हैं और अवस्थाओं के चलते लोगों की जानें जा रही हैं, तो वहीं कुछ लोग मजबूरी का फायदा उठाकर दवाओं से लेकर ऑक्सीजन और इंजेक्शन तक की जमकर कालाबाजारी कर रहे हैं। मानवता के दुश्मन बन चुके लोग इस संकट की घड़ी में आम जनता की मजबूरी का फायदा उठाकर अपनी मनमानी कर रहे हैं। ऐसे लोगों को सबक भी सिखाने के लिए अलग अलग राज्य सरकारें अपने अपने हिसाब से कदम भी उठा रही हैं। इसी बीच हरिद्वार में एक कोरोना संक्रमित मृतक के परिजनों से एम्बुलेंस चालक ने 80,000 रुपए मांगे। ऐसा करना उसे भारी भी पड़ गया। भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के सेवानिवृत्त AGM का शव 24 घंटे से एम्बुलेंस में था। परिजनों की शिकायत पर मौके पर तहसील प्रशासन की टीम पहुंची। SDM गोपाल सिंह ने एम्बुलेंस को सीज किया। एम्बुलेंस चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। जीवन की अंतिम यात्रा पर भी अब आर्थिक बोझ पड़ रहा। देहरादून में लोगों को कोरोना मरीजों के अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट में महंगे खर्च की जद्दोजहद करनी पड़ रही है। इतने नहीं, आसानी से एम्बुलेंस भी नहीं मिल पा रही है। जबकि शमशान घाट में कोरोना संक्रमितों के शव का अंतिम संस्कार करने के लिए करीब 4,000 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। दून अस्पताल के बाहर मौजूद एक एम्बुलेंस के चालक ने बताया कि कोरोना संक्रमित शव को शहर के शमशान घाट तक पहुंचाने के लिए करीब 2,500 से 3,000 रुपए लिए जा रहे हैं। वह मौजूद एक कोरोना संक्रमित मरीज के परिजन ने बताया कि दूसरे अस्पताल में अपने मरीज को शिफ्ट करने के लिए पिछले 2 घंटे से एम्बुलेंस नहीं मिल पा रही है। घंटों इंतजार करने के बाद एम्बुलेंस वाले ऊंचे दाम बोल रहे हैं। लक्कीबाग स्थित मोक्षधाम के पंडित अनिल शर्मा ने बताया कि बीते कुछ दिन पहले मोक्षधाम के 2 कर्मचारी कोरोना संक्रमित होने के बाद बाहर से कर्मचारी बुलाए गए थे, जिनकी मजदूरी अधिक होने के चलते अंतिम संस्कार के कुछ दाम बढ़ाए गए थे। लेकिन कर्मचारियों के वापस लौटने के बाद अब एक अंतिम संस्कार के लिए 3,000 से 4,000 रुपए लिए जा रहे हैं। तो देखा आपने किस तरह से कुछ मानवता के दुश्मन बन चुके लोग इस कोरोना संकट में धंधा चला रहे हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।